चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड सिद्धार्थ, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, बिकॉज आपका जो प्लेसमेंट हुआ है, आपको पता है कि आप किस कंपनी में, किस प्रोफाइल पे गए हो? मैं मार्केट रिसर्च में गया हूं, मैं जेस्पर कॉलेज में, नोएडा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के इस लाइव एपिसोड में हम एक नए पार्टिसिपेंट के साथ हैं जो कि सिद्धार्थ सिंह रावत हैं। फ्रॉम आपने ग्रेजुएशन में लाइक होटल मैनेजमेंट कंप्लीट किया ना अपना, फ्रॉम बीबीडी कॉलेज? ओके, सो आप जो है आज की डेट में जो भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए आप एक मतलब आप लोगों को इंस्पायर करोगे, बिकॉज आपको पता है कि डायरेक्टली आज की डेट में जो है होटल मैनेजमेंट करो, चाहे कोई भी ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो लोगों को आज की डेट में इंस्टेंट आफ्टर ग्रेजुएशन कोई जॉब नहीं मिल रही है। Yes, ma'am. है ना? और आपने डायरेक्टली जो है हमारे इस प्रोग्राम्स को लाइक ऑप्ट करके और आज की डेट में आप एक टॉप कंसल्टिंग फर्म्स में जा चुके हो, प्लस आप मार्केट रिसर्च के प्रोफाइल पे जो है गए हो, एंड आपका जो है, आपको ही पता है कि आपका जो स्टार्टिंग LPA है वो 3.88 से स्टार्ट हुआ है। Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आप क्या फील कर रहे हो अभी लाइक एम्प्लॉयड होकर के? मैम पहले मैग्नम एडू कॉर्पोरेट्स, मैम मैं बहुत ही पहले कंफ्यूज था मैम ज्वाइन करने से पहले। अच्छा। कि मैम मेरा क्या होगा, बट आफ्टर मैग्नम एडू कॉर्पोरेट ज्वाइन करके मैम मेरे बहुत ही ज्यादा डाउट्स मैम क्लियर हुए। मेरा इंटरेस्ट था मैम स्टॉक मार्केट में, और मैम स्टॉक मार्केट में मैं बेसिक भी नहीं जानता था, मैं रॉ था बिल्कुल, मैं कैंडल भी नहीं देख पाता था मैम। मैं ये यूट्यूब पे मैम यूट्यूब ही से पढ़ता था, फिर मैम मैंने ज्वाइन किया मैम, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया मैम, वो भी यहाँ से प्लेस्ड आउट हो चुके हैं और मैम बहुत अच्छे रिव्यूज दिए थे। फिर मैम मैं ज्वाइन किया मैम, मैंने बेसिक्स टू प्रज्योत मैम ने मैम मुझे बेसिक्स टू एडवांस मैम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पढ़ाया, फंडामेंटल्स मैम पढ़ाए उन्होंने, मेरे डाउट्स क्लियर किए मैम, एंड 24/7 मैम प्रज्योत मैम हेल्प करती थी स्टूडेंट्स की जो भी डाउट्स होते थे मैम स्टूडेंट्स के। तो मैम मुझे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मैम यहाँ से मिला मैम, मार्केट से भी मैम, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी, एंड मैम जॉब पर्पस से भी। So, आपकी जर्नी कैसी रही मैग्नम एडू कॉर्पोरेट में? लोग जो आपने 4.5 मंथ अपना टोटल दिया है, 4.5 से 5 महीने, उसमें आपका क्या लाइक आपकी जर्नी कैसी है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, आप वो शेयर करो पहले। मैम आफ्टर ग्रेजुएशन होटल मैनेजमेंट में मैम मेरा इंटरेस्ट नहीं था मैम जॉब फाइल में काम करने का, एंड मैम उसके बाद मैं बहुत ही कंफ्यूज था कि मैं क्या, मेरा मैं ऐसा जगह चाहता हूँ मैम जहाँ से मैं स्टॉक मार्केट भी लर्न कर सकूँ एंड मैम उसी प्रोफाइल में जॉब भी कर सकूँ। और मैम जब आपका मैम पैशन, जब आपका मैम वो हॉबी बन जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैम मुझे यहाँ के इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला, तो मैम मैंने यहाँ ज्वाइन किया, एंड मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही मैम। पहले तो कन्फ्यूजिंग रही थी, लेकिन अब मैम बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ मैम मैं यहाँ से मैम ज्वाइन करने के बाद। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि मतलब ट्रेनिंग क्वालिटी आपकी हमारी कैसी लगी? जैसे आपने हमारी पहले क्लास पहले ऑफलाइन करी, फिर आपकी कुछ टाइम के बाद आपकी क्लासेस जो है वो लाइव हो गई, तो आपको हमारी ट्रेनिंग क्वालिटी कैसी लगी मैग्नम की, प्रज्योत मैम की, कि किस तरीके से वो लोगों को डील करती हैं, कैसे पेशेंस की आपको लाइक मतलब कैसा पढ़ाया उन्होंने, आप ट्रेनिंग क्वालिटी के बारे में आप कुछ शेयर करो। मैम अगर मैं ट्रेनिंग क्वालिटी की बात करूँ, मैं बहुत ही अनकॉन्फिडेंट पर्सन था एंड इंट्रोवर्ट भी था। अच्छा। और उसके बाद मैम ट्रेनिंग मैम हम लोगों की ग्रूमिंग क्लासेस होती थी इंग्लिश की, उस पर मैम मैं बहुत ही करने के बाद ग्रूम होने के बाद मैम बहुत ही कॉन्फिडेंट फील किया, एंड प्रज्योत मैम की मैम टीचिंग की बात करूँ तो टीचिंग मैम वो बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ाती है, बिल्कुल एक एक डाउट मैम क्लियर करती है। और मैम बहुत से इंस्टीट्यूट में ATR इंडिकेटर के बारे में नहीं बताया जाता है स्टॉक मार्केट में, उन्होंने ATR की मैम क्लासेस बहुत ही 2 से 3 दिन में उनकी क्लासेस हुई थी ATR की, बिल्कुल बेसिक से उन्होंने बताया था मैम। और मैम 24/7 वो अवेलेबल रहती थी स्टूडेंट्स के लिए, ऑल स्टूडेंट्स के, मेरे भी कोई डाउट होते थे तो मैम मैं उनको मैसेज कर देता था व्हाट्सएप में, वो मैम मेरा क्लियर कर देती थी मार्केट से भी रिलेटेड एंड मैम जॉब पर्पज से भी रिलेटेड। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिद्धार्थ की लाइक हाउ डिड यू फाइंड लाइक रिक्रूटमेंट सपोर्ट ऑफ मैग्नम? मैम रिक्रूट मैम मेरा नाम यहां पे रिक्रूटमेंट मैम बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही इजीली प्लेस हो गया मैम, और मैम ने
सभी टीचर्स ने मैम, संगीता मैम, प्रज्योत मैम एंड सुप्रिया मैम, आप भी मैम, सभी ने मैम कॉर्पोरेट किया मैम मेरे साथ स्टूडेंट। मैं बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट था उस वक्त जब ज्वाइन करने से पहले, एंड बहुत ही इजीली हुआ मैम। मैंने भी मेहनत की मैम, आपने भी मैम मेहनत की मैम मेरे पे, और बिना आपकी मेहनत के मैं नहीं पाता। आपको जॉब तो मिली ही मिली, ठीक है, प्लस आप क्या कहते हैं कि जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है उसमें आप क्या कहना चाहोगे? मैम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले मैं बेसिक्स भी नहीं जानता था स्टॉक मार्केट के, आफ्टर जॉइनिंग मैडम मैम मैंने ट्रेड में मैं लेता था, पहले मैं इंट्राडे करता था और उसके यस अब मैं स्विंग ट्रेड करता हूं, स्विंग ट्रेड करता हूं, अब इन स्टॉक्स भी करता हूं मैं ना, फ्यूचर्स भी करता हूं, और एंड मेरी एक्यूरेसी मैम 60-70% है मैम अभी, और मैं अभी भी लर्निंग कर रहा हूं। यस मैम, बिकॉज़ देखिए अभी आप लर्निंग फेज में हो, ठीक है, पीरियड में, तो आपका जो अगर 60-70% भी एक्यूरेसी है दैट मींस कि बहुत ज्यादा है, बिकॉज़ जैसे आपने बोला कि मैम मैं अंडर कॉन्फिडेंट था, मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में पता तो था, आपको आपका पैशन भी था, बट आपको कुछ नॉलेज नहीं थी, सो अकॉर्डिंगली आप जो है आज की डेट में सुधार, मतलब अगर आपकी एक्यूरेसी 60-70% भी है दैट मींस कि बहुत आपकी है, प्लस अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो इससे भी और अच्छी हो पाएगी आगे चल के। And Siddharth, my next question is कि जैसे CFMRA programs में आपको सबसे best part क्या लगा, किस programs के basis पे कैसे आप placed हुए, उसके बारे में कुछ आप share करो। मैम इसका सबसे best part ये लगा, जब मैं मैम stock market मैम करता था तो मैम मेरा interest एक research field में भी हो गया था। अच्छा। stocks का मैम day before research करना, company profiling करना, तो मैम मैंने इसी field से मैं देख रहा था, तो आपका institute मैम मुझे best लगा, मेरे friends भी यहाँ से कर चुके थे, आप यहाँ से प्लेस आउट हो चुके थे, अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स में वो वर्क कर रहे हैं मैम अभी, तो मैम मैंने आप इस पे अपने पे मैम वर्क किया, मैम आपने भी मैम मेरे पे वर्क किया, एंड CFMRA प्रोग्राम्स की मैं बात करूँ तो ये बेस्ट प्रोग्राम है। इससे किसी को मैम अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या किसी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड या मार्केट रिसर्च फील्ड से रिलेटेड अगर इसमें मैम ज्वाइन करना हो तो मैम बेस्ट इंस्टीट्यूट है मैम ये, डाउट्स क्लियरिंग में भी, स्टॉक मार्केट से भी रिलेटेड एंड जॉब पर्पस आल्सो। ठीक है, तो Siddharth माय लास्ट क्वेश्चन इज ये कि जैसे कि आप अदर यंगस्टर्स को जो ऑलरेडी भी ग्रेजुएट, यंग ग्रेजुएट हैं या फिर जो ग्रेजुएट होने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका, कि आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैम ग्रेजुएट्स से मैम मैं यही कहना चाहूंगा मैम कि अगर किसी का मैम इंटरेस्ट है मैम मार्केट फील्ड में, स्टॉक मार्केट फील्ड में, इफ स्टॉक मार्केट फील्ड में भी तब भी वो ज्वाइन कर सकते हैं, जॉब रिलेटेड पर्पस से भी है तो मैम तब भी वो ज्वाइन कर सकते हैं मैम ये कोर्स में, बेस्ट कोर्स है। ठीक है Siddharth, देखिए हमारा जो कोर्स है Siddharth वो फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंस बोथ सेक्टर्स के लिए है, तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप जो है स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्ट है आपका या फिर आप जैसा भी, उस पर आपका क्या कहना है कि जो ये आपको ही पता है कि ये ओपन फॉर ऑल है, ठीक है, और उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैम स्टॉक मार्केट से भी जिसका मैम इंटरेस्ट नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट से है, तो मैम वो भी जॉब पर्पस से भी मैम ये कोर्स ले सकते हैं, एक बहुत ही बूमिंग सेक्टर है मैम मार्केट रिसर्च फील्ड, और मैम आगे ग्रोथ भी अच्छी है, और यस मैम ग्रोथ भी मैम बहुत अच्छी है, और यहाँ से मैम स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी जगह प्लेस्ड भी हुए हैं, और मैम मेरे खुद से फ्रेंड्स प्लेस्ड हुए हैं, तो मैं भी प्लेस हो गया हूँ। तो मुझे तो मैम इंस्टीट्यूट में मैम पहले से ही बिलीव था, और मैम अभी और भी ज्यादा है, किसी को मैम अगर ये इंस्टीट्यूट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैम अगर वो कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा है तो मैम उनको इसी इंस्टीट्यूट में मैम आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच Siddharth, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड आपने जो मैसेज दिया है और यंगस्टर्स के लिए वो भी बहुत बेस्ट था। ठीक है, तो अपनी कॉन्वर्सेशंस को भी हम लोग यहीं पे ड्रॉप करते हैं, मतलब यहीं से भी हम लोग डिपार्चर लेते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।